करता हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें दोस्तों आज बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 328 के बारे में। और जिस पॉइंट पे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, पॉइंट है हमारा यूरिन बेडर मेरिडियन का 57 नंबर पॉइंट, यानी कि 57 नंबर पॉइंट। तो दोस्तों पहले हम इसकी लोकेशन जानते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, फिर इसके बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इसकी लोकेशन जानते हैं हम। ये वाला जैसे हमारा दोस्तों निवाला एरिया होता है, ठीक है, इसमें सेंटर में हमारा यूबी 40 पॉइंट होता है, ठीक है, सेंटर में यूबी 40 पॉइंट, ठीक है। अभी जो दोस्तों हमारा यूबी 57 जो पॉइंट है वो कैसे पड़ेगा, जैसे दो कुंड की दूरी पर ये हमारा 55 नंबर पॉइंट था, 55 नंबर पॉइंट, ठीक है, और ये फिर इससे चार कुंड की दूरी पर हमारा 56 नंबर पॉइंट था, 55 और ये 56 नंबर। अब दोस्तों यहां से टोटल ये लगा लो, यूबी 40 से 8 कुंड की दूरी पर, ठीक है, और 56 से 2 कुंड की दूरी पर ये हमारा पॉइंट पड़ेगा, यहां से दो कुंड और ये टोटल जो एरिया पड़ेगा हमारा, ये जो टोटल पड़ेगा एरिया, ये हमारा पड़ेगा 8 कुंड, ठीक है, ये 8 कुंड की दूरी पर ये हमारा पॉइंट हो गया यूबी 57, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, मिड में, बीचों बीच, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच पड़ेगा इसके, बिल्कुल ऐसे ये यूबी 57, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा पॉइंट, ये होगी इसकी लोकेशन, ठीक है। अब ये दोस्तों हमारे एंकल और नी के बिल्कुल बीचों बीच पड़ेगा, ठीक है, इसकी मेजरमेंट करेंगे, इधर से 8 कुंड और इधर से बिल्कुल बीचों बीच पड़ेगा, ठीक है, इसका ये पहचान है, इधर से मिड पड़ेगा और इधर से भी मिड पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या फायदे, क्या क्या रोग, क्या क्या समस्याएं इसे ठीक होती है वो जान लेते हैं, ठीक है। नंबर वन, अगर किसी को दोस्तों काफ में अगर किसी को पेन हो उसमें दोस्तों आपकी ये हेल्प करेगा, ठीक है। नंबर दो, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो उसमें दोस्तों ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। नंबर तीन, एनस से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम हो उसमें आपकी दोस्तों हेल्प करेगा, ठीक है। ये हो गए तीन इसके बेनिफिट। अब बात करते हैं काफ पेन, ठीक है, काफ पेन यानी कि जो ये हमारी यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, ये जो मसल होती हैं, ये काफ होती हैं, ये काफ मसल से इनको हम बोलते हैं, ठीक है, काफ यानी कि पिंडली वाली जो मसल है इनको काफ पेन बोला जाता है, काफ मसल। तो अगर इस मसल में दोस्तों अगर किसी को प्रॉब्लम है काफ में, तो उससे आपके दोस्तों ये हेल्प ले सकते हैं इस 57 नंबर पॉइंट से। नंबर दो, अगर किसी को कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, उसमें आप ये रिलेटेड इससे प्रॉब्लम से आप बेनिफिट दे सकते हैं यूबी 57 से, अगर तो आप किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। एनएस प्रॉब्लम, एनएस यानी कि हमारा जो गुदा द्वार जो है, जहां से हम स्टूल पास करते हैं, मल त्याग करते हैं, वो एनएस बोला जाता है। अगर उससे रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है, चाहे वहां पे पाइल्स वगैरह हो, चाहे उसमें उसकी मसल शिथिल हो गई हो, लूज वगैरह हो गई हो, ज्यादा टाइट वगैरह हो गई हो, वहां पे पेन वगैरह हो, इचिंग हो, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो एनएस में, वो आप हेल्प ले सकते हैं इस पॉइंट से हमारा यूबी 57 से, ठीक है। दोस्तों ये हो गए इसके पॉइंट की लोकेशन, ये हो गए बेनिफिट। अब बात करते हैं इसे ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो पेशेंट को दोस्तों आपको उल्टा लिटाना है, उल्टा लिटा के पेशेंट को इस पॉइंट को 8 को मेजर करके, और फिर आप चाहे हाथ के अंगूठे से पॉइंट दबाएं, या फिर हमारी जो रबर जिमी है इससे दबाएं, या हाथ के अंगूठे से, आधा से एक मिनट के लिए आपको इस पॉइंट को दबाना है। और आप इसे दिन में एक बार भी कर सकते हैं, और हर एक घंटे के बाद में आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं अपनी कंडीशन के अनुसार। तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्रीटमेंट करना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, अपने रूटीन में पानी पीने का ध्यान रखना है, घर में आए तो मिनरल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई पॉइंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।